अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। कोरोना वायरस तो भारत में भी पैर पसार रहा है, जिसके चलते लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन डीएम के इस फैसले से केंद्रीय डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि कोई भी डीएम इस तरह के फैसले लेने से पहले भारत सरकार और कृषि अनुसंधान परिषद से सलाह जरूर ले। मंत्री गिरिराज सिंह सीधा डीएम से भिड़ गए और बोले कि कुछ लोग कम ज्ञान की वजह से जानबूझकर दहशत फैला रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा था कि मीट से कोरोना वायरस न फैले, इसे सुनिश्चित करने के लिए खुले में मीट, सेमी कुक्ड मीट और मछली की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट को साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डीएम के इस आदेश पर मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने तुरंत ट्वीट करते हुए कहा कि पशुपालन और डेयरी डिपार्टमेंट ने इस मामले में पहले स्पष्ट कर दिया है कि अंडा, मीट या मछली से कोरोना वायरस का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लिखा कि कोरोना का संबंध कहीं भी मछली, अंडे और चिकन से नहीं पाया गया है, अफवाहों से बचें। अब डीएम साहब तो अंडा और मछली छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को डीएम साहब की ये बात नागवार गुजरी और लोगों को अपने मंत्रालय से जुड़े सिस्टम को ही समझा दिया।